मोटर पार्ट्स व्यवसायी दीपक अग्रवाल गोलीकांड के बाद एक तरफ धनबाद में व्यापारी वर्ग ने अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया है, तो दूसरी ओर पुलिस भयमुक्त होकर कार्य करने की अपील व्यापारी और आम लोगों से कर रही है। वहीं डीएसपी वन अमर कुमार पांडे ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर व्यापारी वर्ग से अपील की है कि भयमुक्त होकर अपना काम करें, पुलिस अपना काम कर रही है। कहा कि ऐसे अपराध और अपराधियों द्वारा जो किए जा रहे हैं काम, उसका उद्भेदन पुलिस ने किया है। पुलिस तत्परता के साथ एक एक अपराधियों को सलाखों के पीछे डालने का काम कर रही है। राज्य है और लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और प्रायः सभी मांगे जायज होती है, बट उसका तरीका जो हो मांग का वो वैध हो, लेजिटिमेट हो। तो जहां तक मैंने अभी आपसे कहा कि बंद कॉल का उनका जो आह्वान किया गया व्यवसायी वर्ग से, अन्य सामाजिक संगठनों से, तो ये उनका चॉइस है। बट मेरा धनबाद पुलिस का यह स्टैंड है कि उन्हें भयमुक्त वातावरण में रहना चाहिए। हम लगातार काम कर रहे हैं, जो अपराधकर्मी विभिन्न घटनाओं के पीछे, न केवल जो दो दिन पूर्व की घटना है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, धनबाद पुलिस कृत संकल्पित है। अपराधकर्मियों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके शेल्टर्स जो प्रदाता हैं, आश्रय प्रदाता हैं, उनको चिन्हित कर लिया गया है, उनके जो फिनेंशियल सपोर्टर हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है और बहुत जल्द ही उन अपराधियों को हम लोग सलाखों के पीछे भेजेंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह के द्वारा पिछले दिनों भाजपा सांसद पीएन सिंह और विधायक टुल्लू महतो पर कोयला चोरी समेत अन्य अपराध में संलिप्त रहने या चुप्पी साधने के आरोप लगाए गए। इस मामले में टाइगर फोर्स के जिला सचिव सुशील चौधरी ने धनबाद सर्किट हाउस में मीडिया से बात की और संतोष सिंह को खरी खोटी सुनाई। मीडिया से बात करते हुए सुशील चौधरी ने कहा कि राज्य में कांग्रेस के सहयोग से सरकार चल रही है और सरकार के संरक्षण से ही कोयले का अवैध कारोबार पूरे जिले में चल रहा है। इस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी पुलिस और जिला प्रशासन दोनों की है। ऐसे में विधायक और सांसद पर आरोप लगाना उनकी ओछी मानसिकता और सस्ती लोकप्रियता पाने की सोच को दर्शाता है। लेकिन ये हत्या पद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, जितना चिंता किया जाएगा कम है। कोयला चोरी हो रहा है, गोली चल रही है, प्रशासन पर माननीय हमारे सांसद पीएम सिंह जी के घर के पीछे घूम रहा है, कोयला चोरी हो रहा है, कौन पकड़ेगा? जनप्रतिनिधि पकड़ेगा? साफ है कोयला चोरी हो रहा है या मर्डर हो रहा है, जनप्रतिनिधि पकड़ेगा? नहीं, काम तो प्रशासन का है, प्रशासन तो पकड़ो। ये आम विधायक धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मोटर पार्ट्स व्यवसायी दीपक अग्रवाल गोलीकांड मामले को लेकर सभी 55 चैम्बर और अन्य व्यवसायिक संगठनों के साथ सामूहिक बैठक कर 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन धनबाद बंद की घोषणा की है। वास हो घर पर माँ की कृपा और लक्ष्मी जी का वास हो। जगन्नाथपुरम स्पेसियस मेगा टाउनशिप NH2 पंडुकी बरवाड्डा धनबाद की ओर से आप सभी देशवासियों को दुर्गा शारदीय नवरात्र, दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9430161093 और 9234213055 पर। स्वाद के साथ चाहिए स्वास्थ्य, तो आपके लिए है सियाराम फूड प्रोडक्ट्स का शुद्ध देसी गेहूं से निर्मित स्वादिष्ट फाइबर युक्त पौष्टिक श्री श्याम भोग चक्की फ्रेश आटा, 100% सिर्फ आटा, अलग अलग पैक में भी उपलब्ध। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट